आज मैं बोरा का सब्जी बनाने जा रही हूँ, बोरा और चना। तो मैंने इसे धो कर के रख लिया है, और एक तरफ मैंने प्याज और हरी मिर्च को कट कर लिया है, और मेरे कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है, और मैं इसमें पचफोरन डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कुकर में बना रही हूँ। हाँ, आज मैं कुकर में सब्जी बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने हरी मिर्च भी डाल लिया है, और ये मेरा हरी मिर्च कुक हो गया है। इसमें मैंने प्याज को भी डाल दिया है, और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। प्याज को हम लाल होने तक ही पकाएंगे। बोरा और चना का सब्जी मैंने मिक्स करके आज रेसिपी तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए। ये देखिए, मेरा प्याज का ये रेड हो चुका है, और इसमें मैंने बोरा और चना को डाल दिया है, और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने मिक्स कर लिया है, और इसे हम कुक होने देंगे। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, इसे थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। तो ये देखिए मेरा, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और इस टाइम पे हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैंने नमक 1 चम्मच लिया है, आप नमक स्वाद अनुसार ले लीजिएगा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं मसाला नहीं डालूँगी, फिर थोड़ी देर इसके साथ ये नमक डाला है तो ये थोड़ी देर इसको पकने दूँगी, ये तुरंत गल जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए हो चुका है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर में डाल रही हूँ 1 चम्मच, और अब मैं डाल रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच मैंने लिया है, तीखा अपने अनुसार देख लीजिएगा। और मैंने धनिया पाउडर भी लिया है, धनिया पाउडर मैंने ये 1.5 चम्मच लिया है, और अब हम इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। देखिए मेरा अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, और ये कुक हो रहा है। मैंने इसे थोड़ा पानी ऐड किया इसमें, ताकि मेरा मसाला जो है अंदर से जले ना, और ये पानी सोख लेगा, थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए ये कुक हो चुका है, और ये रेडी अभी नहीं हुआ है, बस थोड़ा देर में रेडी हो जाएगा। और ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर लिया है 1 चम्मच, ये सॉरी एक गिलास, और आप अपने अनुसार रख लीजिएगा ग्रेवी, कम ज़्यादा जैसा इच्छा हो। और अब इसे हम पकने देंगे। ये एक उबाल आएगा तो मेरा रेडी हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये कुक हुआ है, बस थोड़े टाइम में ही वो रेडी हो जाएगा। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ, ये चेक कर रही हूँ कि हो चुका है या नहीं। मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ये सब्जी बन करके, और बस थोड़ी देर हम इसे और कुक करेंगे। ये देखिए जो ग्रेवी पानी डाला था वो सोख लिया है, और मेरा सब्जी रेडी हो चुका है। इस टाइम पे मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और मैंने गैस बंद कर दिया है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। तो मैंने एक बॉल में सर्व कर लिया है सब्जी को, और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, और यम्मी है, स्पाइसी है। तो गैस मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और कुछ भी पूछना हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।